मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर पैदल ना जाए इसलिए बसों व ट्रेनों से उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा रहा है इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में प्रवासियों को राधा स्वामी सत्संग भवन कमोपुरा से रवाना किया गया आपको बता दें कि प्रवासियों को करनाल पुलिस के सहयोग से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है उनको खाने पीने की वस्तुएं भी मुहैया करवाई गई इस अवसर पर डीएसपी वीरेंद्र सैनी करनाल मौके पर पहुंचे इस दौरान डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों का पलायन प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है बसों व ट्रेनों का उचित प्रबंध किया गया है लेकिन फिर भी बहुत से प्रवासी मजदूर इन सुविधाओं की जानकारी के अभाव में पैदल ही अकेले व अपने परिवार के साथ अपने घर पर जाने को मजबूर है जिससे एक झकझोर देने वाली स्थिति पैदा होती है प्रवासी मजदूरों द्वारा ऐसा करने से कई बार भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और अपने व अपने परिवारजनों के जीवन को खतरे में डाल लेते हैं देखने में यह भी आया है कि कुछ प्रवासी मजदूर नदी नालों को पार करके अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं जिनको पुलिस द्वारा समझा बुझा कर रोका जा रहा है और उचित प्रबंध करने के बाद उनको उनके घर भेजा जा रहा है उन्होंने कहा कि कोई भी मजदूर अपने अपने घरों गृह जिलों व गृह राज्यों के लिए पैदल बिल्कुल भी ना जाए और नदी नालों नहरों को तो बिल्कुल भी पार करने की कोशिश ना करे सभी प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा उचित मदद पहुंचाई जा रही है और उनको उनके घर पहुंचाने के लिए बसों व ट्रेनों का उचित प्रबंध किया गया है जब तक प्रवासी मजदूरों को घर नहीं भेजा जाता है तब तक उनके खाने पीने व ठहरने के लिए जिला करनाल में कुल चौदह शेल्टर होम बनाए गए हैं कोई भी प्रवासी मजदूर इन शेल्टर होम में जाकर ठहर सकता है अगर किसी भी प्रवासी मजदूर को इन शेल्टर होम में में के बारे में कोई भी भी समस्या आए वह किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन चौकी से सहायता प्राप्त कर सकता है सभी प्रवासी मजदूरों का मेडिकल चेकअप करवाने के बाद उनको बसों व ट्रेनों में बिठाकर उनके घरों के लिए रवाना किया जा रहा है इसलिए किसी भी प्रवासी मजदूर को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है करनाल जिला प्रशासन द्वारा रोजाना करीब एक हजार से लेकर बारह सौ प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान व मध्य प्रदेश तथा ऐसी कई अत्यादि राज्यों में पहुंचाया जा रहा है बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को प्रशासन द्वारा ट्रेनों का उचित प्रबंध कराकर बिहार भेजा जा रहा है जिला प्रशासन करनाल द्वारा अब तक करीब दस हजार से बारह हजार प्रवासी मजदूरों को बसों व ट्रेनों के माध्यम से उचित प्रबंध करके उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है इसीलिए कोई भी प्रवासी मजदूर यह ना सोचे कि वह अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में प्रवासियों को जिला पुलिस के सहयोग से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है उनको खाने पीने की वस्तुएं मुहैया करवाई गई है देखिए विशेष रिपोर्ट आपको तो बताना चाहूँगा कि कोविड 19 की इस महामारी के, के दौरान करनाल प्रशासन लगातार काम कर रहा है और अब तक हम कम से कम दस हज़ार मजदूरों को यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश भेज चुके हैं और डेली लगभग 25 से 30 बसें जो भी हमारे यहाँ अम मजदूर रजिस्टर होने लग रहे हैं तो उन सबको हमने अलग अलग राधा स्वामी शेल्टर होम्स में रुका रुका हुआ है उनको तीनों टाइम का खाना और दवाइयाँ दी जा रही हैं और लगभग तीस बसें डेली भर के यूपी जा रही हैं जो बिहार के हैं या मध्य प्रदेश या राजस्थान के हैं उनको हम उनको ट्रेन से भेज रहे हैं अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये दो बसें हमारे वेस्ट बंगाल की हैं और दो बसें जम्मू कश्मीर के लिए हैं उनका मेडिकल चल रहा है और उसके बाद इनको रवाना किया जाएगा तो हम मीडिया के बंधु सिर्फ एक अपील करना चाहेंगे कि जो भी जहाँ पे वो वहीं रुके या किसी भी पुलिस जो भी पुलिस स्टेशन या चौकी आपके पास पड़ती है या कोई भी सरकारी दफ्तर पड़ता है वहाँ जाके कॉन्टेक्ट करें आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं प्रशासन आपको घर भेजने के आपके ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें Jbd Banquets Laihe, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest Banquet Hall Jyoti Garden. World Class Catering, Century Air Condition, Lush Green Lawns, State of the Art lighting. A perfect venue for Wedding, Launching and Parties. Rajgharana and Jyoti Garden at Jbd Banquets Enterprise.